अगर आप भी मेरी तरह हनी चिली पोटैटो खा के बोर हो चुके हैं तो ट्राई करिए ये हनी चिली ऑमलेट। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आप सभी का स्वागत है फूड फोल्डर्स चैनल में। हनी चिली ऑमलेट के लिए सबसे पहले हम अपना ऑमलेट रेडी कर लेते हैं। यहाँ एक पैन पे मैं थोड़ा सा बटर रब कर रहा हूँ ताकि हमारा ऑमलेट पैन से चिपके नहीं। अब हम इसमें अपने अंडा मिलाएंगे। मैंने यहाँ तकरीबन 3 अंडों का इस्तेमाल किया है जिसे मैंने अच्छी तरह विस्क कर लिया है। अंडे को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। हमारे अंडे में भी हल्के से बबल्स आ चुके हैं तो हम अपने अंडे को फोल्ड कर लेंगे। अगर आपसे इस तरह फोल्ड नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप अंडा को पूरा बनाइए और उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट लीजिएगा। अब मैं स्पैचुला की मदद से ही अपने अंडों को इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लूंगा। हमारा अंडा तो एकदम रेडी है, तो आइए अब हम इसकी सॉस की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सॉस की प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है। सबसे पहले मैं इसमें एक छोटा चम्मच तेल का मिलाऊंगा और तकरीबन 3 से 4 गार्लिक क्लोव जिसे मैंने पत्ता पत्ता स्लाइस कर लिया है। हमें गार्लिक को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। हमारा गार्लिक भी एकदम रेडी है, तो अब मैं इसमें एक छोटा प्याज मिलाऊंगा जिसे मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को भी हम बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच चिली पेस्ट के मिलाऊंगा। ये चिली पेस्ट बनाना बहुत ही आसान है। मैंने कुछ सूखी लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगा के अच्छी तरह पीस लिया है और बस इसमें हल्का सा नमक मिलाया है। तो आइए अब हम इसमें हल्का सा नमक और मिला लेते हैं। हमारा चिली पेस्ट भी एकदम रेडी है, तो अब मैं इसमें तकरीबन 1 छोटा चम्मच विनेगर का मिलाऊंगा और थोड़ा सा सोया सॉस, और मेरे पास यहाँ तकरीबन 1 चम्मच केचप है, मैं इसमें वो भी मिला दूंगा। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह पक चुके हैं, तो मैं इसमें हल्का सा पानी डाल के अपनी ग्रेवी को हल्का सा लूज कर लूंगा। और एक बार हम फाइनल नमक भी चेक कर लेते हैं हमारी सॉस में। हल्का सा नमक मैं इसमें और मिला देता हूँ। तो आइए अब हम इसमें एक एक करके अपने ऑमलेट के पीसेस मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो उसमें कुछ वेजिटेबल्स भी मिला सकते हैं, कैप्सिकम, कैरेट, फ्रेंच बीन्स, जो आपकी और अच्छा लगे। और अंडा मिलाते टाइम थोड़ा याद रखिए कि गैस एकदम लो फ्लेम पे होनी चाहिए, नहीं तो सॉस नीचे से जल सकता है। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच हनी का मिला रहा हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरह इजी टू मेक सिंपल रेसिपीज लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।